दोस्तों आज का ये वाला वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास और इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो 2024 में या 2025 में घर पे बैठे बैठे कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं और पार्ट टाइम वर्क करके हर महीने 30,000 से लेके 50,000 रुपए तक की अर्निंग करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा ऑनलाइन अर्निंग आइडिया बताने वाला हूँ जिसमें ना तो दोस्तों आपको किसी YouTube के ऊपर वीडियो डालना है कोई भी प्रकार का, ना आपको किसी प्रकार का कोई ब्लॉग बना के उस पर ब्लॉगिंग करनी है, और ना ही आपको किसी कंपनी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, ना ही दोस्तों आपको कोई रीसेलिंग करनी है। इनमें से आपको कुछ नहीं करना, बल्कि एक ऐसा नया और एक ऐसा अर्निंग मेथड आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो में मैं आज शेयर करने वाला हूं, जिसमें देखिए आपको करना क्या है, आपको पार्ट टाइम वर्क करना है, ठीक है। और ये एक लो इन्वेस्टमेंट वाला अर्निंग आइडिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, अप्रोक्स मान के चलो 4,000 से लेके 5,000 रुपए तक का। एंड इसमें आपको पूरा काम जो होगा वो वन टाइम करना है, एक बार आपको पूरा सेटअप करना है इसका। अगर आपने एक बार इसको सेटअप कर लिया तो इससे आप क्या कर सकते हो, पूरी लाइफ टाइम तक इनकम कर सकते हो, यानी कि आप हर महीने कम से कम इससे 50,000 रुपए तक कमा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर दोस्तों आप एक स्टूडेंट है, आप एक हाउसवाइफ है, अदर आप कोई पर्सन है जिसके पास आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, आप सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हो कहीं पे भी, आप फिक्र मत करो, ये जो अर्निंग आइडिया आज इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी उस पर काम कर सकते हैं। बिकॉज ना तो इसमें आपको यूट्यूब का वीडियो बना के अपलोड करना है, ना आपको ब्लॉगिंग लिखनी है, ना आपको एफिलिएट करना है, ना रीसेलिंग करनी है। एक ऐसा तरीका जिसमें एक बार काम करना है और ये काम करने के बाद आप इससे लाइफ टाइम हर महीने 50,000 रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, तरीका क्या है, कैसे आपको इस तरीके पे काम करना है और कैसे इससे आपको पैसे मिलेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तीन स्टेप में आपको पूरा वीडियो समझाने वाला हूं। पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अर्निंग आइडिया है वो है क्या, और दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे काम कैसे करना है, आप इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, और तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इससे अर्निंग कैसे होगी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और, मैं आपको यहां पे लाइव अर्निंग का प्रूफ भी दूंगा जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि इस पे अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, और अब मैं आपको पूरे आइडिया के बारे में आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी दोस्तों से करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि हमें सपोर्ट मिले और इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाते रहें। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे रोजाना एक दो घंटे काम करके लाइफ टाइम पैसे कमाने का कुछ अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको इस अर्निंग आइडिया के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ना, या जो स्टेप है, वो है हमारा व्हाट इज आइडिया, ठीक है। आइडिया एक्चुअली में है क्या, देखिए दोस्तों ये जो आइडिया है ना वो बड़ा ही सिंपल है। कुछ लोगों ने तो आई थिंक इसको यूज किया होगा, पहले देखा होगा, बट कुछ लोगों ने आई थिंक नहीं किया होगा। देखिए इसमें करना क्या है, आपको एक इमेज जो होती है ना, इमेज, इसके ऊपर एक बिजनेस स्टार्ट करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है या कोई ऐसे पर्सन है जो ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं या फिर ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसका आपको कभी किसी टाइम पे या तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है या फिर आपको उसकी फोटो क्लिक करनी पड़ती है, मतलब आप ये सोचते हैं किसी बुक को पढ़ते टाइम कि यार ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्या करूंगा इसका एक फोटो क्लिक कर लेता हूं, बाद में मैं इसको घर पे जाके बैठ के पढ़ूंगा, या फिर आपको ऐसे लगता है कि ये वाला जो ब्लॉग है वो काफी अच्छा है, मैं अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, बाद में मैं इसको और ज्यादा पढ़ूंगा। अब अगर आप ऐसे लोग हैं तो आप इस बिजनेस को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक इमेज वाला बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ता है, मान लीजिए आपके पास कोई बुक है उसके आपने कोई फोटो ले रखी है, ठीक है, या फिर दोस्तों आपने किसी ब्लॉग का कोई स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है,
किसी भी ब्लॉग का, ऐसा जरूरी नहीं कोई स्पेशल ब्लॉग हो, किसी भी ब्लॉग का मान लीजिए आपने कोई स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो आपको एक इमेज वेबसाइट बनानी है। कौन सी इमेज वेबसाइट? जिसमें आप क्या कर सकते हो, मान लो ये जो बुक है ना, इसको आप बाद में पढ़ने के लिए इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर अगर ये ब्लॉग आप पढ़ रहे हो तो इस ब्लॉग को भी आप बाद में टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ये अगर आप करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और अच्छी लैंग्वेज में। देखिए, इसको हम बंद कर देते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसे पर्सन है जो ज़्यादा बुक्स और ब्लॉग पढ़ रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है या आपके मोबाइल फ़ोन में आप ब्लॉग पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बुक या कोई ब्लॉग आपके सामने ऐसा आ जाता है जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है और उसको आपको टेक्स्ट में लिखना पड़ता है। अब ज्यादातर लोगों को ये काम काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं कि वहां पे उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और गूगल जाएंगे, ठीक है, गूगल करेंगे और यहां पे लिखेंगे इमेज टू टेक्स्ट, और जैसे ही दोस्तों ये लिखेंगे गूगल क्या करेगा, गूगल उसके सामने कुछ वेबसाइट्स को रिकमेंड करेगा। वेबसाइट आ गई, ये बंदा क्या करेगा, वेबसाइट पे अपनी जो इमेज है वो अपलोड करेगा, और ये वेबसाइट क्या करेगी दोस्तों, ये वेबसाइट करेगी कि जो इमेज थी ना, उस इमेज को ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। अब यहां पे यूजर क्या करेगा, यूजर इस टेक्स्ट को इजिली कॉपी कर सकता है और कॉपी करके वो यहां जहां पे भी चाहे उस टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। बस यही एक बिजनेस आइडिया है जो आपको शुरू करना है। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे बिजनेस काम करता है। जैसे मान लीजिए यहां पे हम गूगल पे जाते हैं और मैं आपको जो यहां पे बता रहा हूं वो आपको यहां पे लाइव दिखा देता हूं ताकि आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसी मान लीजिए कोई इमेज है जिसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां पे गूगल पे जाता हूं और यहां पे लिखता हूं इमेज टू टेक्स्ट, ठीक है, और मैं यहां पे सिंपली इसको सर्च करता हूं। अब यहां पे देखिए गूगल में मेरे पास कुछ इमेजेस आ रही है, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, मैं इस पे क्लिक करता हूं एंड यहां पे जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, और यहां पे देखिए मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करते ही ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे को रिडायरेक्ट करेगा इमेजेस पे। एंड यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारे मेरे पास इमेजेस हैं। अगर मुझे किसी भी इमेज का अगर टेक्स्ट, यहां पे जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये इमेज में काफी टेक्स्ट लिख रहा है, अब मैं इसको अगर डन पे करता हूं और यहां पे देखिए इमेज ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुकी है। देखिए, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूं, जैसे दोस्तों मैं इसको सबमिट करूंगा यहां पे क्या हो रहा है, देखिए वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पे अगर हम ह्यूमंस है तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे दोस्तों यहां पे वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, ये जो टेक्स्ट है मतलब इस इमेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, देखिए यहां पे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड, मतलब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही दोस्तों यहां पे पूरा प्रोसेस होता है, अब देखिए यहां पे ये जो टेक्स्ट है ना वो देखिए यहां पे आ चुका है, लिख चुका है। देखिए, अब आप चाहो तो इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो और इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एंड ये काफी सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है बट अभी भी इसमें कम कॉम्पिटिशन है। सेम एज इट इज आपको भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं कि इस बिजनेस से आप हर महीने 50-60 हजार, 1-2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो। कैसे, मैं आपको वो भी बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट स्टेप में, बट उससे पहले आप ये समझ लो कि ऐसा बिजनेस आखिरकार स्टार्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है कि हम अगर ऐसा कोई बिजनेस या कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन गूगल पे, तो हम उसको कैसे शुरू कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, बहुत साधारण और सिंपल प्रोसेस है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आप चाहें तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पे अपना एक सबसे पहले डोमेन नेम बुक करना है। अब ये डोमेन नेम दोस्तों आप गॉडडी से कर सकते हैं बड़ी आसानी से, गॉडडी एक वेबसाइट है जहां से आपको डोमेन नेम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको होस्टिंग लेनी है, ठीक है। होस्टिंगर जैसी कंपनी आपको एक अच्छी और एक सस्ती होस्टिंग प्रोवाइड कर देगी। देखिए, इनके कॉस्ट भी मैं आपके इनके सामने लिखता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट जाता है। मान के चलो यहां पे आपको डोमेन नेम बुक कर रहे हो तो 750 रुपए लगेंगे, मैक्सिमम 1000 रुपए लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आप .com या फिर दोस्तों .in एक्सटेंशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर .net वाला जो एक्सटेंशन है वो भी ले सकते हैं।
यहाँ पे होस्टिंग अगर आप लेंगे तो 2005 K का समथिंग यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा, मैक्सिमम 3000 K आएगा, मतलब 3000 रुपये आपका कॉस्ट आएगा। ये आपके लिए वन ईयर तक का जो है होस्टिंग प्रोवाइड करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लेना पड़ेगा, एक प्लगइन लेना पड़ेगा या फिर आपको एक ऐसे कोड लेने पड़ेंगे या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस में, ठीक है, वर्डप्रेस में या फिर दोस्तों अलग कोई आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड फाइनली दोस्तों आपको इन सब के साथ अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है, और सेटअप करने के बाद सिंपली आपको लाइव करना है गूगल के ऊपर। लाइव करने के बाद दोस्तों आप ऐसा मत सोचना कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाएगा और उससे आपका बिजनेस चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए लाइव करने के बाद आपको नेक्स्ट एक और चीज करनी पड़ेगी, और वो है दोस्तों आपका SEO, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट को आपको रैंक करवाना गूगल में, एंड ये जो प्रोसेस है ये आपका जाएगा करीब 6 महीने, 6 महीने तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिला तो आपको ट्रैफिक के साथ साथ आपको काफी अच्छा जो है पैसा भी यहाँ पे मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और ये कितना पैसा मिलेगा वो भी मैं आपको एंड में बता रहा हूं तीसरे स्टेप में, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि ये जो बिजनेस है ना वो यहाँ पे 4-5 स्टेप्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट इसको सेटअप करना और इसको सक्सेस करना थोड़ा सा हार्ड वर्क है। एंड आप ये समझ लो कि इस बिजनेस के माध्यम से अगर आप लाइफ टाइम इनकम करना चाहते हो तो आपको कम से कम यहाँ पे 6 मंथ तो देने ही पड़ेंगे, एंड थोड़ा सा पैसा भी लगाना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर आप इससे पूरी लाइफ कमा सकें, ठीक है। आप कई सारे लोग तो ये कमेंट भी करेंगे हमें कमेंट में जाके कि इनसे कुछ नहीं होता, हमें पैसे नहीं मिलते, तो देखिए उन लोगों के लिए मैं बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग महान है, प्लीज आप मेरे ऐसे वीडियो से दूर रहिए जिसमें मैं आपको कुछ गाइड कर रहा हूं। अगर आप नहीं कर सकते लाइफ में कुछ भी तो आप फिर कमेंट करने का अधिकार भी खो देते हैं, बिकॉज जिन लोगों के पास जुनून है और जो लोग करना चाहते हैं उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं। बिकॉज यहां पे मैं आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूं चीजें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और मैं वीडियो बनाते ही आपको बोल देता हूं कि ये एक एक्सप्लेन वीडियो है, कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है। तो जो लोग इनको समझना चाहते हैं, बिजनेस आइडियाज को जानना चाहते हैं और इनकम के तरीके जानना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए वीडियोस मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करते जाना और सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज ऐसे ही और नए नए आइडियाज मैं आपके साथ इस पूरे चैनल पे शेयर करने वाला हूं। 100 वीडियोस का टारगेट है, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तो 2-3 वीडियोस हमने कंप्लीट किए, 100 वीडियोस आने वाले हैं पूरे, और 100 अर्निंग आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक देखिए पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, अभी भी कुछ प्रोसेस कमी है या बाकी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, मैं आपके लिए इसके ऊपर जवाब दूंगा कमेंट्स के और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप खुद से कर सकते हो, अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि यहां पे आपने 1000 रुपए और 3000 रुपए करीब 4000 का खर्चा किया अभी तक, लेकिन अगर आपको ये खुद से करना नहीं आता तो 4000 का ही खर्चा होगा। अगर आपको खुद से नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे 5000 रुपए और ऐड कर दो और करीब 9,000 से 10,000 रुपए में आपका ये काम हो जाएगा। 5000 किन के, अगर कोई डिजिटल एजेंसी या फिर कोई ऐसी कंपनी आपके लिए ये सेटअप कर देती है तो 5-6 हजार रुपए में वो आपके लिए पूरा काम कर देंगे, बट आपको डोमेन होस्टिंग वगैरह की जो कॉस्टिंग है वो खुद से देनी पड़ेगी, सेटअप फीस वो आपसे 5-6 हजार रुपए लेके आपका काम कर देंगे, ठीक है। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं अप्रोक्स 10,000 में और महीने के 50,000 रुपए कमा सकते हैं। अब कई लोगों को अगर यकीन नहीं हो रहा कि कैसे कमा सकते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए हम वापस से चलते हैं यहां पे क्रोम पे, हम यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर आए थे, आपको पता है इस वेबसाइट के ऊपर। अब यहां पर देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ना दोस्तों, इस वेबसाइट के अंदर इन्होंने कुछ फीचर्स डाल रखे हैं पैसे कैसे कमाने हैं। देखिए YouTube वगैरह पे आप जा रहे हो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंपटीशन आज की डेट में, कई लोग हमारे वीडियोस को देख के सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा रहे होंगे लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है, जितनी मेहनत होती है उतना पैसा नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो अलग बात है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, एक वेबसाइट बना रखी है, सिंपल एक पोर्टल है ये, और इस पे देखिए 4-5 फीचर्स है, इमेज टू टेक्स्ट है, JPG टू वर्ड है, PDF टू वर्ड है और JPG टू PDF है।
अब यहां पे ये लोग दो तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कैसे? पहला तो देखिए, यहां पे प्राइजिंग यानी कि अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि 2.49 डॉलर ये वीकली चार्ज करते हैं, जिसमें 50 इमेजेस एक टाइम में आप जो है इमेज टू टेक्स्ट कर सकते हो, 24/7 सपोर्ट आपको मिलता है, और इमेज साइट अगर इमेज की साइज 10 MB से भी ज्यादा है तो आप उसको यूज कर सकते हो, और यहाँ पे नो एड्स यानी कि कोई एड्स नहीं मिलेंगे, एंड यहाँ पे टोटल जो है आपको 2500 इमेजेस मिल जाएंगी। 3 गुना फास्ट आपका ये काम करेगा ये पोर्टल। एक तो ये वाला तरीका है पैसे कमाने का। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आपने फ्री में ये काम कर लिया, फ्री में इमेज टू टेक्स्ट हो गई, आप यहाँ पे क्यों लेंगे, अपग्रेड वाला ऑप्शन क्यों यूज करेंगे? तो देखिए, अगर कोई अपग्रेड नहीं कर रहा ना तो भी ये लोग पैसे कमा रहे हैं, और वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो पैसे आ रहे हैं दोस्तों गूगल एडसेंस से। देखिए नीचे अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो एक एड आपको दिख रहा होगा, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, एड्स बाय गूगल, यहां पे देखिए स्टॉप सीइंग दिस एड, ये जो एड है ना ये गूगल से आ रहा है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं, ये देखिए इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहां पे कोई स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया या ऐसे कुछ लग रहा है ना, तो आप अपनी तसल्ली के लिए अपने गूगल क्रोम पे जाना और यहां पे सर्च कर लेना इस प्रकार की कोई वेबसाइट, और वहां पे अगर आप जाओगे तो यहां पे देख सकते हैं, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखिए फिर से ऐड आ चुका है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूं और ये देखिए एड्स बाय गूगल। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये एक ऐड यहां पे आपको दिख रहा है, अगर आप अपने लैपटॉप पीसी में यूज करोगे तो यहां पे भर भर के ऐड आएंगे आपको, कम से कम एक ही पैच में आपको 5-10 हजार जो है सॉरी 5-10 ऐड मिल जाएंगे, और 5-10 ऐड का मतलब है 5-10 पेज व्यू, बहुत अच्छा पैसा मिलता है उसमें। कितना पैसा मिलता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं गूगल एडसेंस में, ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे हम एडसेंस, और मान के चलो अगर हमारे पास मंथली 50,000 पेज व्यू आ जाते हैं, ठीक है, तो हमें कितना पैसा मिलेगा? जैसे मैं यहाँ पे एडसेंस पे आया, एडसेंस पे आने के बाद देखिए नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है सी हाउ मच यू कुड अर्न विथ एडसेंस, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट करना है, तो कैटेगरी हो गया आपका यहाँ पे लाइक इंटरनेट एंड टेलीकॉम हो गया, आपका हो गया यहाँ पे एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज, एंड उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे मंथली अगर मिनिमम पेज व्यू आते हैं 50,000 तो आपका यहाँ पे देखिए योर जो अर्निंग है ईयरली वो है अप्रोक्स $1,800, हर साल करीब $1,800 आप कमाएंगे, करीब $150 या $120 के समथिंग कुछ ऐसा जाएगा आपका मंथली। बट अगर आपका पेज व्यू मान के चलो यहाँ पे मान लो 2 लाख भी हो गया, देखो 2 लाख भी हो गया मान के चलो, तो यहाँ पे आपका जो अर्निंग है वो करीब 8,000 के समथिंग चला जाएगा। एंड अगर आपका जो पेज व्यू है वो करीब 1 मिलियन चला जाता है, अगर आपके पास ट्रैफिक अच्छा आता है तो आपका $37,700 जो है ईयरली चला जा सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत पैसा आता है। और ये जो अर्निंग है वो आपको ऐसे आएगी कि एक बार आपने काम कर लिया ना तो फिर आपको दोबारा झांकना नहीं पड़ेगा, आपको SEO करना बस अपनी वेबसाइट का, और अगर ये वेबसाइट रैंक करती रही गूगल में तो आपको इससे लाइफ टाइम भी पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का अर्निंग आइडिया, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, एंड इसी प्रकार के और वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना।